हेलो एंड वेलकम टू हॉलीवुड अनफोल्डेड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2018 में रिलीज हुई मूवी डेथ विश के बारे में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.4 थी और इसे 87% गूगल यूजर्स ने पसंद किया था। इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है ब्रूस विलिस ने एज पॉल कर्सी और उनके साथ है एलिजाबेथ शू एज लूसी कर्सी, विंसेंट डी ऑनोफ्रियो एज फ्रैंक कर्सी, कैमिलिया मोरॉन एज जॉर्डन कर्सी। इस मूवी के डायरेक्टर है ईलाई रॉथ और इसकी स्टोरी बेस्ड है ब्रायन गारफील्ड की नॉवेल डेथ विश पे। ब्रूस विलिस और डायहार्ड फ्रेंचाइज के फैंस को ये बहुत पसंद आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन, आई होप आप सभी को पसंद आए। पॉल कर्सी जो शिकागो में एक सर्जन है, अपनी वाइफ लूसी और डॉटर जॉर्डन के साथ रहता है। पूरी फैमिली पॉल का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट जाती है। वहाँ पॉल का भाई फ्रैंक भी आता है। रेस्टोरेंट का वैले मिगेल फैमिली को आपस में बात करते सुन लेता है कि वो आज रात पॉल का बर्थडे सेलिब्रेट करने बाहर जाने वाले हैं। तभी मिगेल नेविगेशन सॉफ्टवेयर से पॉल के घर के एड्रेस की फोटो ले लेता है। पॉल और उसकी फैमिली बाहर जाने के लिए रेडी होते हैं। तभी पॉल को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि एक इमरजेंसी है और उसे अभी हॉस्पिटल के लिए निकलना होगा। पॉल हॉस्पिटल चला जाता है और जॉर्डन और लूसी घर पे रह जाते हैं। तभी घर में चोर घुस आते हैं और जॉर्डन और लूसी को पकड़ लेते हैं। जॉर्डन और लूसी उनसे बचने की कोशिश करते हैं पर चोर उन पे फायर कर देते हैं, जिसमें लूसी की डेथ हो जाती है और जॉर्डन कोमा में चली जाती है। इस केस को लीड कर रहे होते हैं डिटेक्टिव रेनिस और डिटेक्टिव जैक्सन। काफी दिन बीत जाते हैं और पुलिस इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाती। इस बात से पॉल बहुत चिढ़ जाता है। आगे हम देखते हैं दो आदमी एक लेडी को परेशान कर रहे होते हैं। पॉल इसे देख उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तब वो दोनों लोग पॉल को बुरी तरह पीट देते हैं। अपनी प्रोटेक्शन के लिए पॉल गन स्टोर पे गन लेने जाता है पर उसका माइंड चेंज हो जाता है क्योंकि उसे समझ आता है कि लीगल गन ली तो पुलिस उसे आसानी से ट्रैक कर सकती है। कुछ दिन बाद एक गैंगस्टर को क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल लाया जाता है। उसके पास से एक गन नीचे गिर जाती है जिसे पॉल चोरी से अपने पास रख लेता है और शूटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। आगे हम देखते हैं दो लोग कार चुराने की कोशिश करते हैं। तब पॉल उन्हें रोकता है। तब वो लोग पॉल पे फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। जवाब में पॉल भी उन पे फायर करता है जिसमें वो दोनों मर जाते हैं। उस समय पॉल के लेफ्ट हैंड में चोट लग जाती है गन को प्रॉपरली ना चलाने की वजह से। फिर पॉल हुडी को डस्टबिन में फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। वहां पे मौजूद एक लड़की ये सब रिकॉर्ड कर लेती है और अगले ही दिन वो क्लिप वायरल हो जाती है और पॉल लोगों का मसीहा बन जाता है। ये देख पॉल को काफी अच्छा लगता है। आगे हम देखते हैं हॉस्पिटल में एक बच्चे को लाया जाता है जिसके पैर में गोली लगी होती है। पॉल उससे पूछता है तो वो बताता है कि उसके एरिया में एक ड्रग डीलर है जो बच्चों को ड्रग सप्लाई करने के लिए मजबूर करता है और उसका नाम आइसक्रीम मैन है। ये उसी की बात ना मानने का नतीजा है। तब पॉल डिसाइड करता है कि वो इस आइसक्रीम मैन को भी मार देगा। पॉल उस आइसक्रीम मैन के पास जाता है। तब आइसक्रीम मैन उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो पॉल कहता है तुम्हारा आखिरी कस्टमर और वो उसे शूट कर देता है। कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में एक क्रिटिकली इंजर्ड पेशेंट को लाया जाता है जो रेस्टोरेंट का वैले मिगेल ही है, जिसने पॉल के घर का एड्रेस उन चोरों को दिया था। पॉल को मिगेल के हाथ में उसकी घड़ी दिखती है जो उस रात चोरी हुई थी। मिगेल मर जाता है और पॉल उसका फोन अपने पास रख लेता है, जिसके जरिए से उसे ऐसे शराब के स्टोर का पता चलता है जो शराब की आड़ में चोरी की चीजें बेचते हैं। उस स्टोर का ओनर पोनीटेल पॉल को पहचान जाता है और चोरी करने वालों में से एक को मैसेज कर देता है जिसका नाम फिश है। पॉल गन पॉइंट पे पोनीटेल से अपनी फैमिली की चीजें मांगता है। तभी वहाँ फिश आ जाता है और गलती से पोनीटेल को शूट कर देता है। पॉल और फिश एक दूसरे पे फायर करते हैं जिसमें पॉल फिश के पैर पे शूट कर देता है और फिश गिर जाता है और फिश की बुलेट्स खत्म हो जाती है। तब फिश मरने से पहले पॉल को बताता है कि चोरी करने वालों में से एक जो नाम का मैकेनिक था और फिर पॉल फिश को मार देता है। पुलिस डिटेक्टिव पॉल के पास उसकी रिंग लेके जाते हैं जो उन्हें उस शराब के स्टोर से मिलती है और कहते हैं स्टोर ओनर के जरिए हमें उन चोरों का पता बहुत जल्द मिल जाएगा। तब पॉल फिश और मिगेल के फोन को तोड़ देता है और फिर मैकेनिक जो के गैराज जाता है और जो को कार के नीचे फंसा के उसे टॉर्चर करता है। तब जो पॉल को तीसरे चोर नॉक्स के बारे में बताता है जिसने लूसी को मारा था। फिर पॉल जो को कार के नीचे कुचल के मार देता है। नॉक्स उसके साथियों को मरा देख पॉल को कॉल करता है और नाइट क्लब के बाथरूम में मीटिंग के लिए बुलाता है जहां वो एक दूसरे पे फायर करते हैं और दोनों को चोट लग जाती है। पॉल नॉक्स का फेस नहीं देख पाता और फिर नॉक्स हॉस्पिटल जाता है और वहां वो बताता है कि वो बार में काम करता है और उन लोगों की फायरिंग में उसे चोट लगी है। और पॉल अपने घर जाता है और खुद की ड्रेसिंग खुद ही करता है। वहां फ्रैंक आता है और पॉल से कहता है कि पुलिस पूछताछ के लिए आई थी, उन्हें लग रहा था कि मैंने ही सभी को मारा है पर मेरे लेफ्ट हैंड पे चोट के मार्क्स ना होने की वजह से उन्होंने मुझे जाने दिया। तब फ्रैंक को समझ जाता है कि पॉल ही है जो सबको मार रहा है और बदला ले रहा है।
आगे हम देखते हैं पॉल को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि जॉर्डन को होश आ गया है। तब पॉल फ्रैंक से कहता है कि अब सब ख़त्म, मैं आगे से ये नहीं करने वाला, क्योंकि जॉर्डन के होश में आने से उसे जीने की उम्मीद मिली है। एक हफ्ते बाद पॉल जॉर्डन को लेके हॉस्पिटल से निकल रहा होता है, जहां लिफ्ट में उसकी मुलाकात नॉक्स से होती है। उस समय पॉल को नहीं पता होता कि यही नॉक्स है। फिर पॉल गन स्टोर जाके लीगली गन्स खरीदता है। कुछ दिन बाद नॉक्स और उसके दो लोग पॉल के घर घुसते हैं और इस बार उनका इरादा पॉल और जॉर्डन को मारने का है। पॉल को विंडो से दिखता है कि गार्डन में कोई है, तब वो जॉर्डन को छिपा देता है और उसे पुलिस को कॉल करने कहता है। नॉक्स के साथी घर में पॉल को ढूंढ रहे होते हैं, तभी पॉल उन्हें मार देता है और फिर वो बेसमेंट में जाता है जहां नॉक्स छिपा होता है और पॉल को मारने वाला होता है कि पॉल सामने रखे टेबल से हिडन राइफल निकालता है और नॉक्स को मार देता है। पुलिस आती है और पॉल उन्हें ये स्टोरी बताता है कि पिछले हादसे के बाद प्रोटेक्शन के लिए उसने गन्स खरीदी लीगली और ये चोर उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए प्रोटेक्शन में उन्हें मार दिया और लेफ्ट हैंड पे चोट भी इसी कारण लगी है। डिटेक्टिव को समझ जाता है कि पॉल ही था जो लोगों को मार रहा था, क्योंकि उसके हाथ की चोट अभी की नहीं कई दिन पहले की लग रही थी। पर डिटेक्टिव इस बात को समझ के भी अनदेखा कर देता है, क्योंकि पॉल कोई बुरा आदमी नहीं होता और उसने जिन लोगों को मारा वो सारे क्रिमिनल्स थे। और मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। इस मूवी से हमें यह पता चलता है कि अगर किसी की फैमिली के साथ कुछ गलत होता है तो एक साधारण सा शख्स भी कितना डेंजरस बन जाता है और ऐसा काम कर जाता है जो उसने खुद भी कभी नहीं सोचा होता। इसलिए कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा या गलत नहीं करना चाहिए और हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।